हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष त्रिपाठी फ्रॉम फोर्डी एजुकेशन। और आप लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर बैंकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर और वीडियो बनाइए। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। पर उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, मनी फ्लो, क्योंकि उसके बाद ही आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आएगा क्लियरली। तो देखिए, मनी फ्लो का मतलब क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम बैंकों के पास जाकर के अपने पैसे जमा करते हैं, उसे हम आइडल मनी कहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई यूटिलिटी नहीं उस पैसे की, इसलिए हम बैंकों के पास जाके जमा कर देते हैं। तो बेसिकली हम दो प्रकार से पैसा जमा करते हैं, या तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या तो हम करंट अकाउंट खुलवाएंगे। तो इन्हें इन दोनों को हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट, सॉरी इन दोनों को हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। याद रखिएगा, जो भी पैसा आप सेविंग और करंट में जमा करते हैं उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। क्यों कहेंगे, मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हम एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट, इस प्रकार भी पैसा जमा करते हैं। तो जब आप इन खातों में पैसा जमा करेंगे, जब आप एफडी, आरडी या बल्क डिपॉजिट कराएंगे, तो उसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट। याद रखिएगा, टाइम या फिर उसे कहा जाता है टर्म डिपॉजिट। तो जो भी आप कराओ, या आप डिमांड डिपॉजिट कराओ या आप टर्म डिपॉजिट कराओ, ये पैसा किसके पास गया, बैंकों के पास। अब बैंक क्या करेंगे, बैंक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि बैंकों के नाम क्या क्या जुड़ा है, कमर्शियल बैंक। तो बैंक इस पूरे पैसे को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस में। वो जितना ज्यादा हो सके, जितना भी पैसा है वो क्या चाहेंगे, पूरा पैसा किसमें कन्वर्ट हो जाए, लोन में। और लोन भी किसे दें, कॉर्पोरेट लोन ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना। तो वो किसे प्रिफर करेंगे, कॉर्पोरेट लोन को देना प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां पे बैंकों को ब्याज देना होता है, इसलिए हम इसे लायबिलिटी कहेंगे। जो भी पैसा बैंकों के पास जमा होता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। और यहां पे बैंक को ब्याज मिलता है, जब बैंक लोन देते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता है, ब्याज। तो यहां पे हम बैंकों को, बैंक के पर्सपेक्टिव से इसे हम क्या कहेंगे, लोन्स को एसेट, क्लियर है। तो याद रखिएगा, जो भी पैसा बैंकों के पास जमा करते हो बैंक उसे लायबिलिटी कहेगा। और जब आप उसी पैसे को, बैंक उसी पैसे को जब लोन में कन्वर्ट करता है तो लोन को बैंक क्या कहेगा, एसेट। तो बेसिकली बैंक लायबिलिटी को एसेट में चेंज करता है, और यही बैंक का काम है। वो चाहता है कि मैक्सिमम पूरा का पूरा जो जमा पूंजी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एसेट में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमा सके। इसलिए आप देखिएगा कि जो लोन्स होते हैं वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमें बचत खाता में डिपॉजिट मिलता है, यहीं से बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए, वो सब बात की बात है। तो हमने यहाँ पे देखा है क्या एस्टेब्लिश होता है, मनी फ्लो। अब ये मनी फ्लो एस्टेब्लिश होता है, बैंक की इच्छा ये होती है, बैंक क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो, यानी जितना भी पैसा उसके पास है पूरा का पूरा कहाँ फ्लो हो जाए, मार्केट में, उसके पास कुछ पैसा बचे ना, आइडियल मनी ना रहे, जितना भी जमा पूंजी है पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, एसेट में, ताकि उसे और ब्याज ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब इससे दो दिक्कतें हुई। सबसे पहले दिक्कत हुई कि मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने से एक परिस्थिति आती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, या फिर हिंदी में उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, बहुत मिस कंफ्यूजन होता है कई लोगों को कि इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई कहते हैं। याद रखिएगा, ये गलत है, इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है। और जो दूसरी परिस्थिति, जो दूसरी दिक्कत आती है, अनकंट्रोल्ड, यदि बैंकों को कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे तो वो पूरा का पूरा फ्लो करेंगे, उससे मैं बता रहा हूं। से दो दिक्कतें हैं, पहली दिक्कत क्या हुई, इन्फ्लेशन, और दूसरी दिक्कत हुई कि कस्टमर का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड नहीं हुआ, क्लियर है। क्योंकि कुछ रिजर्व रखना चाहिए बैंकों को, अदरवाइज आप देखिए क्या होगा, बैंक यदि लोन देते चले जाएंगे बिना रिजर्व रखे, तो कल के दिन यदि मान लीजिए लोन डिफॉल्ट होता है तो कस्टमर को पैसा देने के लिए बैंक के पास नहीं रहेगा, क्लियर है। जैसा अभी आप देखोगे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी या फिर आपके विजय माल्या, इन लोग सबका जो लोन था वो डिफॉल्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में यदि रिजर्व नहीं होता तो पूरे बैंकों के खाताधारकों का पैसा डूब जाता, क्लियर है। तो ये दो बड़ी दिक्कतें आई। अच्छा, एक दिक्कत और आएगी, तीसरी दिक्कत, यहाँ पे लोन्स बैंक किसको देना चाहेंगे, कॉर्पोरेट लोन को। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स, उन्हें लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इक्विटेबल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा और एक समाज का तबका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये तीन परिस्थितियां अराइज हुई। अब इसमें से हर का निवारण किस में मिलेगा आपको, मॉनेटरी पॉलिसी में। अब क्या होगा देखिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इस स्थिति से डील करता है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो पहली दिक्कत अराइज हुई। सबसे पहले दिक्कत क्या अराइज हुई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब जब अर्थव्यवस्था में, जब मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाए, किसका फ्लो बढ़ जाए, करेंसी का, बट उसके प्रपोर्शन में प्रोडक्शन ना हो। मतलब करेंसी तो आ रही है लेकिन आपका जीडीपी ग्रो नहीं, यानी आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस
बहुत सारा पैसा बहुत कम प्रोडक्ट को चेज करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है लेकिन पैसा है, तो लोग बार्गेन करने स्टार्ट करेंगे। तो 10 रुपए की वस्तु हो सकता है 50 में बिके, 50 की वस्तु हो सकता है 100 में बिकनी चालू हो जाए, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसा आपने पूरा भरपूर दे दिया है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति क्यों आता है, जब फ्लो ऑफ करेंसी बढ़ जाता है और उसके पैरेलली क्या नहीं बढ़ पाता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। यदि आप प्रोडक्शन भी पैरेलली बढ़ा दो तो मुद्रास्फीति नहीं आएगी। क्लियर है? तो प्रोडक्शन बढ़ाना तो खैर सरकार का काम होता है, ये जो करेंसी फ्लो का कंट्रोल है ये किसका काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी विच इज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अभी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा। अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट 1934 के एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट में कुछ गोल्स स्पेसिफाई किए गए हैं, उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब वो गोल कौन कौन से? तो पहला गोल देखिए क्या है, टू मेंटेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी। याद रखिएगा, जब इन्फ्लेशन आता है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। आप खुद ही सोचिए, मार्केट में करेंसी ज्यादा है तो जो चीज ज्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? और वस्तुओं का दाम क्या होता है? प्रोडक्ट का दाम महंगा होता जाता है, प्रोडक्ट का दाम महंगा होता है, हमारा जो करेंसी है उसका प्राइस कम होता है। इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो पहले 10 रुपए की एक पेप्सी आती थी, तो यदि मैं और अब कितने रुपए की आती है? 100 रुपए की, मान लो एक पेप्सी आती है, महंगी हो गई हमारी पेप्सी। अब यदि मैं यहाँ पे 1 रुपए का परचेजिंग पावर देखता हूं तो कितना हो जाएगा? 1/10। 1 रुपए का 1/10 हो गया, यानी परचेजिंग पावर कितना हुआ? 1 रुपए का 10%। यदि यहां पे परचेजिंग पावर देखता हूं 1 रुपए का, तो कितना होगा? 1/100, यानी कितना हो गया? मात्र 1%। यानी यहां पे आप 1% ऑफ द पेप्सी की बोतल खरीद सकते हो 1 रुपए में, और पहले आप 1 रुपए में कितनी खरीद सकते थे? 10% ऑफ द बोतल। यानी यहां पे जो मनी की वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो क्या हो गई? रेड्यूस हो गई। तो यही जो मनी की परचेजिंग पावर होती है, इसका कम होना, इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि हमारे जो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, वो जरूरत से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। यदि इन्फ्लेशन अनकंट्रोल हो गया तो वो फेल्योर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होगा। क्लियर है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है टू मेंटेन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हो, टू मेंटेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी। ना करेंसी जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा होगी तो क्या आता है? इन्फ्लेशन। और यदि करेंसी का फ्लो आप बहुत कम कर दोगे तो उसे कहते हैं मंदी। ये इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्लेशन, इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ना मार्केट में इन्फ्लेशन आने देना है, ना मार्केट में डिफ्लेशन आने देना है। यानी आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, मनी फ्लो में एक इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन करके रखना है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अल्टीमेट एम क्या है आपका? सस्टेनेबल ग्रोथ। तो याद रखिएगा, डेफिनेशन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज पॉलिसी फ्रेम्ड बाय सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू एंश्योर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी, इन ऑर्डर टू एंश्योर या मेंटेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी, टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या अचीव करने के लिए? सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड हाउ इट डज? आरबीआई ये काम कैसे करती है? तो बाय यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आई थिंक आपको अब मतलब क्लियर हो गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। ये जो डेफिनेशन है, ये एज पर आरबीआई एक्ट 1934 है, ये याद रखिएगा, ये मैंने वेबसाइट से निकाली। क्लियर है? ओके, अब हम आगे आते हैं। तो देखिए, अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि मनी फ्लो ना ज्यादा होना चाहिए, यानी ना मार्केट में क्या आना चाहिए? इन्फ्लेशन। ना मार्केट में क्या आना चाहिए? डिफ्लेशन। और ये इनके बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है, वही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिएगा, मार्केट में किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी, यदि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें, जैसे हम ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नेशन की बात करूं, मैं कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करूं, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करूं, उस इकोनॉमी का तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रहना अनिवार्य है। इन्फ्लेशन होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, वो खर्चा करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रो करेगी, तो इन्फ्लेशन होना अनिवार्य है। बट वो इन्फ्लेशन एक लेवल तक मेंटेन रहना चाहिए, इससे हम कहते हैं हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर है? तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में मनी फ्लो का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, यानी हमें हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। अब ये हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, तो यह स्पेसिफाई किया गया है, याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। 5 अगस्त से लेकर के 2016 से लेकर के 2021 तक 5 सालों का टारगेट है कि इन 5 सालों में हमें इन्फ्लेशन कितना मेंटेन करना है? 4% ऑफ सीपीआई इंडेक्स। इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4%। तो याद रखिएगा, ये जो 4% इन्फ्लेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉनेटरी पॉलिसी की। क्लियर है? तो अब हम यदि उसको फिर से डेफिनेशन को पढ़ें, तो आरबीआई क्या इंश्योर करता है? आरबीआई इंश्योर करता है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है
वो किसके इर्द गिर्द रहे, 4% के आसपास ही रहे, ना 4% से ज्यादा नीचे जाए और ना 4% से ज्यादा ऊपर जाए। यदि 4% से ऊपर गया तो वह क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, और यदि 4% से नीचे गया, ज्यादा नीचे गया, तो वह क्या हो जाएगी, मंदी। तो ये दोनों सिचुएशन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अभी हम दूसरी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, याद रखना अभी मनी फ्लो एक्सेस नहीं, अभी मनी फ्लो कम हो गया बहुत, इसलिए आप देखोगे कि आरबीआई अपने सभी रेट को कम कर रही है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। चलिए खैर वो बात की बात है। तो आई थिंक आपको मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई कितना फिक्स करती है इन्फ्लेशन। तो याद रखना आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके उसने टारगेट डिसाइड किया 5 वर्षों का, और वह कितना है, 4% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए आरबीआई के हिसाब से, 4%, और ये मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी की। अच्छा अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कब हम कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई। तो याद रखिएगा यदि यह 4% इन्फ्लेशन, इसमें टॉलरेंस लिमिट दी गई है, यानी आप यहां पे 4-6% भी आप जा सकते हैं, उसके ज्यादा उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि यदि इन्फ्लेशन, यदि इन्फ्लेशन लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि इन्फ्लेशन लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक 4% से ज्यादा हुआ, टॉलरेंस लेवल से ज्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। या फिर यदि इन्फ्लेशन लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर मतलब 9 महीना, क्लियर है, एक क्वार्टर में 3 महीना तो 9 महीना, यदि लगातार 9 महीने तक आप 4% या टॉलरेंस लेवल से ज्यादा हुए तो भी मॉनेटरी पॉलिसी फेल मानी जाएगी। और यदि लगातार 9 महीने तक यदि 4% से बिलो हुए, क्लियर है, यदि टॉलरेंस लेवल से नीचे गए तो भी क्या माना जाएगा, फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर है। तो आरबीआई का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4% के आसपास बने रहना है, ना उससे अधिक होना चाहिए, 10-12% भी नहीं जाना चाहिए, और इन्फ्लेशन 1-2% भी नहीं जाना चाहिए। यदि उतना गया तो डिफ्लेशन हो जाएगा, और यदि ज्यादा गया तो अनकंट्रोल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थिंक अब आपको क्लियर है। अब आरबीआई ये कार्य कैसे करती है, तो देखिए आरबीआई के पास नल है, याद रखिएगा जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं अब उनको आरबीआई रेगुलेट करती है। नल है मतलब इनके पास एक टोटी है, उस टोटी के थ्रू ये मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये कमर्शियल बैंक को छूट दे दी गई कि जितना पैसा है पूरा मार्केट में भेज दीजिए, आरबीआई ने इनके ऊपर नट कस रखी है, क्लियर है, और सर्टेन टूल्स के थ्रू उसने ये नट कसी है। तो सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है रिजर्व रेशियो, बाकी के मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो रिजर्व रेशियो क्या होता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। तो रिजर्व रेशियो वह पैसा होता है जो हर कमर्शियल बैंक को किसके पास जमा करना होता है, या तो आरबीआई के पास जमा करना होता है या तो खुद अपने पास रखना होता है। इस पैसे को वो लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए यदि बैंकों के पास कुल जमा 100 रुपया आया, टोटल जो लायबिलिटी है डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटी, वो यदि मान लीजिए 100 रुपया आया, तो कमर्शियल बैंक पूरा 100 रुपया मार्केट में नहीं घुमा सकते। उसमें से कुछ पैसा उन्हें किसमें जमा करना पड़ेगा, 2 रिजर्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो की, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। सबसे पहले सीआरआर की बात करते हैं। तो याद रखिएगा यदि बैंकों के पास 100 रुपए आया, तो जैसे अभी हमारा सीआरआर है 3%, इसे कम कर दिया गया, पहले यह 4% था। तो अभी यदि मान लीजिए किसी भी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आता है, तो वह 4 रुपए किसके पास जमा करेगा, जाकर के आरबीआई के पास। 4 रुपए किसके पास जमा होगा, आरबीआई के पास, और यह जमा किस फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में, और किसी फॉर्म में आरबीआई इसे नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट शुड बी केप्ट असाइड बाई बैंक विथ आरबीआई, उसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, क्लियर है यहां तक। अच्छा करंट रेट कितना दिया गया यहां पे, 3%। अब एक चीज याद रखिएगा, यह अधिकार आरबीआई को कैसे मिलता है, तो सीआरआर रखने का जो अधिकार है सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीआरआर की ना कोई सीलिंग रेट होती है, ना कोई मैक्सिमम रेट होती है, ना कोई लोअर लिमिट होता है। तो यदि मान लीजिए टोटल जो जमा आया, जो टोटल लायबिलिटी बैंकों के पास आई, यदि 100 रुपए, यदि कोई बैंक ले लो एसबीआई के पास कुल जमा कितना है, डिमांड प्लस टाइम मिलाकर के 100 रुपए, तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। यदि वह चाहे तो 100% भी कर सकता है सीआरआर को, या फिर चाहे तो 3% जैसा अभी है। तो जो भी कुल जमा आपके पास आया, चाहे आरबीआई यदि उसको सिचुएशन अराइज लगती है कि सिचुएशन चाहिए, तो वह पूरा पैसा भी अपने पास डिमांड कर सकता है, और चाहिए तो 0% भी कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी कोई बॉटम लिमिट नहीं है और कोई अपर लिमिट नहीं है। इट इज नीदर हैविंग अ फ्लोर रेट नॉर सेलिंग रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट है। इट मे फ्लक्चुएट फ्रॉम 0% टू
100% ऑफ। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो सीआरआर होता है उसको कोई बेस रेट नहीं होता और कोई सीलिंग रेट भी नहीं होती। राइट, मैं वेरी फ्रॉम 0 to 100% ऑफ कुल जमा। कुल जमा को हम कहते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी दोनों का योग, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी, जो भी कुल जमा आया बैंकों के पास। तो यदि आरबीआई चाहे तो 100% भी रख सकती है और चाहे तो 0% भी रख सकती है। अभी केस में कितना है वो 3%। क्लियर है? जैसे 100% उसने एक बार किया था जब हम डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सीआर को कुछ 15 दिनों के लिए, मेरे 15 दिनों के लिए कितना कर दिया गया था 100%। तो उसे हमने इंक्रीमेंटल सीआरआर कहा था, आईसीआरआर। जब उसकी वैल्यू 100% कर दी गई थी, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था ऐसा, तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल सीआरआर। ओके, जैसे जैसे सीआरआर को हम बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बैंकों को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। सो इन अ वे ये जो लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो होती है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। क्लियर है? तो एक प्रकार का नल हम कह सकते हैं कि रिजर्व को यदि बढ़ाएंगे तो वो नल के जो पावर है वो कम हो जाएगा, कम पैसा फ्लो होगा। और यदि हम रिजर्व को कम करते जाएंगे, जैसे अभी 3% इसलिए किया गया क्योंकि अभी आरबीआई चाहती है कि कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी आए, और वो लिक्विडिटी कहाँ ट्रांसफर कर सके, इकोनॉमी। ओके, चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है एसएलआर। तो देखिए एसएलआर, सबसे पहले आप सेक्शन याद रखिएगा, दिस इज एज पर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है? वहां पे हमने 42 सबसेक्शन 1 पढ़ा था ऑफ आरबीआई 1934, उसके अंतर्गत सीआरआर रखने का अधिकार था और एसएलआर रखने का अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देता है अंडर सेक्शन 24। अच्छा, इसमें भी याद रखिए कोई फ्लोर रेट नहीं होता, बट हाँ इसकी सीलिंग रेट कितनी है, 40% ऑफ एनडीटीएल, कुल जमा का 40%। अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं आप एसएलआर में, कुल जमा का 40%। हाँ, एक इसमें फर्क होता है वो याद रखिएगा, जो सीआरआर का पैसा होता है, दो डिफरेंस है। सीआरआर का पैसा आपको आरबीआई के पास रखना होता है, पर एसएलआर का पैसा बैंक खुद अपने पास रखते हैं, पर उसको लोन में नहीं घुमा सकते। याद रखना, पैसा बैंकों के पास ही रहता है बट वो पैसा लोन में नहीं दे सकते। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे लिक्विडिटी वर्ड का यूज किया गया, वहां पे कैश का वर्ड यूज किया गया। दोनों में फर्क है क्योंकि यहाँ पे कैश के अलावा आप देख सकते हो, यदि रिजर्व चाहे बैंक तो उसे गोल्ड या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जब आप सीआरआर में पैसा जमा करते हैं, जब कैश रिजर्व रेशियो में पैसा जमा किया जाता था तो वहां पे ब्याज नहीं मिलता था, वहां पे आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती थी। कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा किया पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती थी, पर यहाँ पे बैंकों को ब्याज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यदि आपने कुछ पैसा रखा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यदि आपने गोल्ड में रखा है तो स्पेकुलेशन के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। स्पेकुलेशन मतलब, सपोज आपके पास पैसे हैं और अभी गोल्ड का दाम कम है तो आपने उस पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो आप गोल्ड को फिर से पैसे में कन्वर्ट करोगे, तो जो भी डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट बन गया, तो उसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन। क्लियर है? तो याद रखना, एसएलआर का पैसा थोड़ी सी कमाई हो जाती है बट हाँ इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना लोन में घुमाने से मिलता है। क्लियर है? अब एक बार हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला डिफरेंस देखिए, इन केस ऑफ एसएलआर बैंक्स आर आस्क्ड टू हैव रिजर्व। एसएलआर के केस में बैंक रिजर्व किसके फॉर्म में रह सकता है, कैश में भी रह सकता है, गोल्ड में भी रह सकता है, इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रह सकता है। लेकिन सीआरआर में पैसा अनिवार्य रूप से किस में रहना चाहिए, कैश के रूप में। ये पहला डिफरेंस। बैंक्स और रिटर्न, बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं क्योंकि एसएलआर का पैसा गोल्ड में भी है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी, तो यहाँ पे ब्याज मिल जाता है, यहाँ पे स्पेकुलेशन के थ्रू उनकी कमाई हो जाती है। बट ऐसा सीआरआर में कोई पैसा नहीं मिलता, इसीलिए सीआरआर को नेगेटिव सीआरआर भी कहा जाता है, नेगेटिव सीआरआर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता। अगला आप पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए एसएलआर को क्यों किया जाता है, ताकि बैंक का लिवरेज क्रेडिट एक्सपेंशन कंट्रोल किया जा सके। यदि आप सोचो एसएलआर में, यदि एसएलआर का परसेंटेज जैसे अभी 18%, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें, एसएलआर कितना भी 18%, यदि मान लीजिए बैंकों के पास 100 रुपए है तो 18 रुपए किसमें जमा करना पड़ेगा, एसएलआर। यानी बैंक कितना लोन दे सकते हैं, केवल 82 रुपए। तो बेसिकली क्या कंट्रोल कर दिया गया, बैंकों का जो क्रेडिट देने का क्षमता है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। और यहाँ पे हम सीआरआर में क्या कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। यदि मान लो, देखो यहाँ पे यदि मान लो सीआरआर को 4% से 3% कर दिया गया तो बैंकों के पास 1% पैसा कम हो गया, यानी लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई, सॉरी लिक्विडिटी बढ़ गई। पहले उनको 4 रुपए देना पड़ता था, उनको कितना देना पड़ रहा है, केवल 3 रुपए। लिक्विडिटी क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। क्लियर है?
तो हम कह सकते हैं कि सीआरआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी विद द बैंकिंग सिस्टम एंड एसएलआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्रेडिट एक्सपेंशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैंक्स। क्लियर है? तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक और डिफरेंस यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज आर केप्ट विद बैंक इटसेल्फ, बट यहाँ पे कैश जो होगा किसके पास रखा जाता है? रिजर्व बैंक के अलावा। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? सो आई थिंक आपको एसएलआर और सीआरआर क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने सीखा मनी फ्लो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और हमने जो टूल्स पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, उसमें हम लोगों ने आज रिजर्व के बारे में पढ़ा। कौन कौन से रिजर्व? कैश रिजर्व और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो रिजर्व के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो बाकी की जो टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के भी और बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में डील करेंगे। ओके, इफ यू लाइक द सेशन प्लीज आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आप बता सकते हैं क्लासेस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू एंड स्टे होम स्टे सेफ।